डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जिनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। 5 सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे गए। मोरबी हादसे पर आपका बड़ा हमला, पहले अरविंद केजरीवाल, अब मनीष सिसोदिया की तरफ से। यह हादसा नहीं हत्या है, सिसोदिया ने यह कहा है। हादसे के पीछे बीजेपी का भ्रष्टाचार है, बिना टेंडर के मरम्मत का काम दिया गया, घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका क्यों दिया गया, ये सवाल पूछे गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी से, कि जो कंपनी घड़ी बनाती है उसे आपने ये ठेका क्यों दे दिया, पुल की मरम्मती का काम आपने दे दिया इस कंपनी को। मोरबी हादसे पर आपका ये बड़ा बयान, ये हादसा नहीं हत्या है, मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा हमला किया जा रहा है, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट पुल चढ़ा, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की मौत हुई है, और ये सीधे तौर पर इसे भ्रष्टाचार की भेंट बताया गया। ये कोई लापरवाही का मामला नहीं, हादसा नहीं, बल्कि ये एक हत्या है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर यह आरोप लगाए गए हैं और 5 सवाल भी पूछे गए हैं, जिनमें तमाम सवालों के बीच में यह कहा गया, घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका आखिरकार क्यों दे दिया गया है, मोरबी का सच छिपाने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है, कोशिश की जा रही है, इसका सच कुछ और ही है। पिछले 2 दिन में जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये साफ हो जा रहा है कि ये हादसा नहीं हत्या है। मोरबी में जो 150 लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, और इसके पीछे है भाजपा का भ्रष्टाचार। ये हत्याएं जो 150 लोग वहां पुल टूटने से नदी में डूबने से मरे, ये हत्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रष्टाचार की वजह से की हैं। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से गुजरात के मोरबी में 150 लोगों की जान गई है, मासूम बच्चों की जान गई। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से पूरे देश में गुजरात की थूथू हो रही है, गुजरात सरकार की थूथू हो रही है। पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी यही भ्रष्टाचार कर रही थी वहां पे। अब 2 दिन से जब इतनी थूथू हो रही है तो इससे ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ तो करना था बेचारों को। तो ले आए एक गैंगस्टर सरनम गच्छा में जाके उसका कोई चिट्ठी लिखवा रहा है किसी गैंगस्टर से।